डेरा समर्थकों की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में पंचकुला दंगों में मारे गए डेरा समर्थकों के डेथ सर्टिफिकेट जारी करने और डेरों में प्रार्थना करने की इजाजत मांगी गई है। इसके अलावा इस याचिका में सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद पंचकुला में हुए दंगों के दौरान मारे गए डेरा प्रेमियों के परिवार वालों को अब तक डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं किए गए। डेथ सर्टिफिकेट न मिल पाने की वजह से मृतक डेरा प्रेमियों के परिजनों को क्लेम लेने के अलावा बाकी कामों में भी कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसके अलावा डेरा समर्थकों का ये भी कहना है कि डेरा समर्थकों को डेरे के केंद्रों में प्रार्थना की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। इस मामले को लेकर डेरा समर्थकों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है और इंसाफ की मांग की है। हाईकोर्ट में याचिका मोगा और फरीदकोट के 8 डेरा समर्थकों की ओर से लगाई गई है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 4 अप्रैल को होगी। डेरा समर्थकों ने सरकार पर लगाए आरोप। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद हुई हिंसा के लिए डेरा समर्थकों ने हरियाणा और पंजाब सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। डेरा समर्थकों ने कहा कि पिछले साल 25 अगस्त के बाद हुई हिंसा को सरकार आसानी से रोक सकती थी, लेकिन अपनी कमियों को छुपाने के लिए सरकार ने निहत्ते डेरा समर्थकों पर गोलियां चलवाई। इसमें करीब 200 लोग मारे गए और सरकार अब पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों के डेथ सर्टिफिकेट भी जारी नहीं कर रही है। डेरा समर्थकों का आरोप, सरकार सब जानती थी। हाईकोर्ट में जो याचिका डेरा समर्थकों की ओर से दायर की गई है उसमें कहा गया है कि हरियाणा सरकार को 25 अगस्त से पहले ही ये मालूम था कि डेरा प्रमुख को सजा सुनाए जाने की सूरत में हिंसा भड़क सकती है। बावजूद इसके पंचकुला में धारा 144 लागू होने के बावजूद सरकारी एजेंसियों ने पंचकुला अदालत के बाहर डेरा समर्थकों की भीड़ जमा होने दी और अदालत का फैसला आने के बाद कुछ शरारती तत्वों द्वारा शुरू की गई हिंसा के लिए पुलिस ने ऐसे मासूम डेरा समर्थकों पर गोलियां बरसा दी जो सिर्फ अपनी आस्था के कारण पंचकुला पहुँचे थे। सरकार ने बढ़ती लापरवाही। इसके अलावा याचिका में हरियाणा सरकार पर नागरिकों के जीवन के आधार को खतरे में डालने के आरोप लगाते हुए कहा गया कि सरकार ने पहले लापरवाही बरती और फिर अपनी नाकामी छिपाने के लिए मासूम डेरा समर्थकों के खिलाफ सैकड़ों एफआईआर दर्ज करवा दी। सभी मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग। 25 अगस्त के बाद दायर किए गए सभी मामलों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग करते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि डेरा परिसरों में डेरा समर्थक को पूजा करने दी जाए और मीडिया में डेरा के खिलाफ किए जाने वाले दुष्प्रचार पर रोक लगाई जाए। 20 साल की सजा काट रहा है राम रहीम। दो रेप केस में राम रहीम को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने 28 अगस्त को 10-10 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने राम रहीम पर कुल 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इनमें 15-15 लाख रुपए का जुर्माना दो रेप केस के लिए है। इनमें से 14-14 लाख रुपए दोनों रेप विक्टिम साथियों को हर्जाने के रूप में देने होंगे। हिंसा के बाद 38 लोगों की हुई थी मौत। 25 अगस्त को सीबीआई कोर्ट ने पंचकुला में डेरा चीफ को दो रेप केस में दोषी करार दिया था। जैसा ही डेरा चीफ को कोर्ट ने दोषी करार दिया तो उसके समर्थक भड़क गए थे। उन्होंने पंचकुला, सिरसा, कैथल, फतेहाबाद और पानीपत में तोड़फोड़ और आगजनी की थी। घटना में 38 लोगों की मौत हुई थी, 264 घायल हुए थे। हिंसा के बाद पुलिस ने 926 लोगों को अरेस्ट किया था। गुमनाम चिट्ठी ने राम रहीम को भेजा जेल। साल 2002 में एक साध्वी ने एक गुमनाम चिट्ठी लिखी। इसमें बताया गया था कि कैसे डेरा सच्चा सौदा के अंदर लड़कियों का सेक्सुअल हेरासमेंट होता था। ये चिट्ठी पंजाब और हरियाणा कोर्ट को भी भेजी गई थी। इसके बाद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के खिलाफ यौन शोषण का केस शुरू हुआ। सीबीआई ने जांच शुरू की। 15 साल बाद सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम सिंह को दोषी करार दिया। माना जाता है कि ये चिट्ठी राम रहीम के 20 साल ड्राइवर रहे रणजीत सिंह की बहन ने लिखी थी। बाद में रणजीत का मर्डर हो गया था। इसका शक भी बाबा समर्थकों पर जताया गया। ये केस भी पंचकुला की सीबीआई अदालत में चल रहा है। टोटल न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट।